क्लास 10 एनसीईआरटी के आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, दो चीज़ें वो समझ लेंगे तो एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल लल्लू हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 जिसने जाके नहीं देखी है तो जाके देख लो। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी आपके लिए, यकीन नहीं तुझको तो आजमा के देख ले, एक बार जरा मुस्कुरा के देख ले, जो ना सोचा होगा तूने वो मिलेगा तुझको भी, एक बार अपने कदम आगे बढ़ा के देख ले। मैं विवेक पत्रिया आपका पीवीएस लर्निंग में स्वागत करता हूं। तो दो बेसिक चीजें जो है वो समझ लेते हैं। अगर हमें बात करें एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी की, तो दो फॉर्मूले है, मतलब दोनों फॉर्मूले सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होता है। किसी बुक में ये मिल जाएगा, किसी में ये मिल जाएगा, ठीक है ना। जब आप स्कूल में देखोगे तो ये मिलेगा, और अगर आप RDRS या फिर कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम में दोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर भी आता है ये क्वेश्चन। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, ठीक है, और HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ये दोनों फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है, मतलब दोनों फॉर्मूले सेम है, इसको लिखने का तरीका कभी ऐसा मिल जाएगा, कभी ऐसा मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका एक और है, देखो एक एग्जाम्पल है 6 और 20, तो LCM और HCF कैसे निकालते हैं, तो फैक्टर निकालना में आना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो डायरेक्ट कर दो, नहीं आते तो LCM निकाल के देख लो। तो फैक्टर निकालने का तरीका होता है, देखो इधर देखो, पहले 6 का निकालो फिर 20 का निकालो। ये तो क्या छोटे नंबर है ना, इसलिए, वरना आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 6 और 20 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर निकालो। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 3 1, और ये क्या हो जाएगा 2 10 2 5 5 और 1। ये इसके फैक्टर निकल गए। यहाँ लिखो 2 × 3 और 2 × 2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 1 पावर 1 1, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। क्लियर है। अब ये कह रहा है फाइंड LCF और LCM, ठीक है ना, LCM और HCF। अब ध्यान से देखना है कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको, मैं बता दूं। देखो पहले ध्यान से सुनो, LCM के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम पावर ली जाती है। ध्यान रखना, LCM के अंदर मैक्सिमम पावर लेंगे, जो कॉमन नंबर है वो लेंगे और जो कॉमन नंबर नहीं है वो भी लेंगे, मतलब सब आने दो, ठीक है ना, पूरी भी आने दो, गुलाब जामुन भी आने दो और रसगुल्ले भी आने दो, सब कुछ आने दो, पनीर की सब्जी भी आने दो। लेकिन HCF क्या है, डाइटिंग पे है, ये क्या करता है, डाइटिंग करता है। तो डाइटिंग करने वाले कुछ लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, जैसे HCF के अंदर आपको मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर। दूसरी चीज़, जो कॉमन है नंबर वो ही लेंगे, जो कॉमन नंबर नहीं है वो नहीं लेंगे। तो HCF के अंदर क्या होता है, मिनिमम पावर लेंगे और कॉमन नंबर लेंगे, LCM में सब कुछ ले लेंगे। तो जो देखो ध्यान से, सबसे पहले LCM की बात करेंगे, जो डाइटिंग नहीं करता है ना। तो इधर देखो, मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो वो लेंगे। इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो कॉमन नहीं है ना, तो कॉमन नहीं है तो भी लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। HCF के अंदर क्या लेंगे, HCF हमारा क्या करता है, डाइटिंग करता है, इसको बॉडी वॉडी बनानी है, ठीक है ना। तो ये करेगा हमारा मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर क्या है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1, और जो कॉमन नंबर है वो लेंगे, जो कॉमन नंबर नहीं है वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, इसमें 5 है, तो कॉमन है क्या, नहीं है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ही लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2। तो HCF क्या हो जाएगा, 2, और LCM क्या हो जाएगा, 60। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज, फटाफट से खींच मेरी फोटो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मैंने आपको थ्योरी समझाई, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अब अपन करने वाले एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करेंगे, ये टेंशन दिमाग से निकाल देना कि कोई भी क्वेश्चन स्किप होगा, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन अपन स्किप नहीं करने वाले। 140 और 156 इसके फैक्टर निकालने हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स।
आओ देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके क्या करो, फैक्टर निकालो। अगर आप डायरेक्ट निकालो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुश्किल होगा आपके लिए, तो आप इसको ऐसे निकाल लो। 140 का फैक्टर निकालो। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 70 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 35 आएगा। अब इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 5 से करो, हो रहा है 7 में 7 से ही होगा 1। तो 140 के फैक्टर क्या क्या आ गए, इधर लिख दो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही हमें निकालना था, ठीक है ना। यही हमें पूछा था, प्राइम फैक्टर्स बताओ। अब 156 का निकालो। 156 का क्या होगा, सेम प्रोसेस। 156 में 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है ये 7, और ये कितनी बार 8। फिर 2 से करो, ये कितनी बार हो रहा है 3 और 9। फिर आप किससे करो, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करो, 3 1 और 3। फिर 13 से करो, 1 आएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, 156 के फैक्टर हो गए भैया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही वो आंसर है जिसको हम ढूंढ रहे थे बरसों से, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट का थर्ड, वही फैक्टर करने हैं। लेकिन ये थोड़ा सा करना, बड़े नंबर है तो कोई बात नहीं, आप पर डरते हैं क्या, कर देते। 3825, देखो 5 देखते हैं पहले हमें, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि 2 से तो होने वाला है नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन 3 से जरूर हो पाएगा, ठीक है ना। तो 3 से देखते रहेगा, ट्राई करते, नहीं होगा तो फिर 5 से करेंगे वन टाइम। फिर 8 में डिवाइड करो 3 से, 2 टाइम, या 2 बचेगा 22 में 3 से डिवाइड करो 7 टाइम, और फिर 1 बचेगा तो ये आ रहा है 5 आएगा, जा रहा है। फिर 3 से करो, 3 से एक बार और करते रहेगा, जा रहा है क्या, 4 2 5, बिल्कुल जा रहा है, क्या बात है। फिर 5 से करो, अब 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। फिर 5 से करो तो ये जा रहा है 8 और 5 85। फिर 5 से करो तो कितना आ रहा है 17। फिर 17 से करो 1। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, ध्यान से देखना, 3825 के फैक्टर आ गए 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। सर इस 1 को नहीं लेंगे क्या, नहीं छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं है, 1 लिखो तो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 5005, क्या ये 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, साफ दिख रहा है 3 से नहीं जाएगा, इसको 5 से करो तो 5 से करने पर यह आ रहा है 1001। अब तो ये 5 से जाएगा क्या, लास्ट में 1 आ रहा है, नहीं जाएगा। तो देखो 6 से तो कर नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर लेते हैं इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना। 7 से करो, देखा हो रहा है क्या, तो ये हो रहा है 143 जा रहा है। अब देखो इससे किससे करेंगे, 11 से करो इसको, तो ये आ रहा है 13 और 13 और 1, क्लियर है। 5 7 11 13 इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 11 और 13। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्टर निकालो। हाँ एक चीज़, बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर, क्या करते हैं 6 भी ले लेंगे, 9 भी ले लेंगे, उसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं, 2 से देखो पहले करके, 2 से हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो 3 से करो, 5 से करो, 7 से करो, ऐसे करने हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर से करते हैं। तो आपका आंसर ये आ गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और बाकी है इसका, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 7429, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखना ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। पहले तो आप ये देखो कि ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर ही है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें किससे डिवाइड करना है, तो आपको कर करके देखना पड़ेगा। देखो 2 से और 3 से तो करो मत, बड़े नंबर पर जाओ, जैसे 11 13 17, तो डायरेक्ट मुझे तो पता है, लेकिन आपको करके देखना पड़ेगा। 7429 ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड हो रहा है, और किसी से नहीं हो रहा,
ठीक है ना। और कैसे चल रहा है आपका जीवन? पबजी वबजी स्टार्ट हो गया होगा अब तो आपका। तो अगर 7429 में 17 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 437, ठीक है। फिर 19 से डिवाइड करो इसको तो ये जा रहा है फुल टाइम 23 टाइम, 23 से करो इसको वन टाइम तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए? 7429 के फैक्टर हो गए 17 × 19 × 23, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो अब आपके कमेंट पढ़ते। कल एक वीडियो अपलोड किया था, मोटिवेशनल वीडियो, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक यू सो मच। जो दूसरे यूट्यूबर है और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं और सपोर्ट करते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा उनका रेस्पेक्ट, और हमारे स्टूडेंट का तो है ही। सर बहुत अच्छे बहुत सारे वीडियो लेकर आओ, कह रहे हमारे किंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल्थ एंड माइंड से थैंक यू सो मच, ऑसम सर। अश्विनी, नीलम, रानी, रिशु, जीत, ओके। मैथ्स पॉइंट, ये कोई यूट्यूब चैनल है, उनको थैंक यू सो मच, वो भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। चैतन्या एंड थैंक यू सो मच, ओके। विभूति, माया मतलब चैतन्या, रामाकांत, रोहित, चलो अच्छा। चिप को अपने माइंड में लगा लेंगे तो अपन वो करें, हाँ ये तो एलन मस्क ही बताएंगे हमें। सर और फैक्ट वीडियो बनाइए, डेली आएंगे आपके, टेंशन मत लो। दो वीडियो आपके मंडे टू फ्राइडे स्टडी के आ ही रहे और साथ में आपके फैक्ट वीडियो भी आएंगे। ध्रुव थैंक यू सो मच, जीत अच्छा थैंक यू, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं आपके, तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, मेरे जूनियर ब्रदर और सिस्टर को। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जल्दी जल्दी अपनी फैमिली बड़ी करते चले चलो। जितना जल्दी आप रेस्पॉन्स करोगे उसे डबल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा यहाँ पर, जो आप बोलोगे वही होगा, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं अपन सबका है, पूरी फैमिली का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को जो रेड बटन है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्री है, सभी को कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। लाइक कमेंट करना ना भूले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू ऑल।